ये वीडियो चैप्टर 13 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और फिर हम दो डिवाइसेस पढ़ेंगे रियोस्टैट और थर्मिस्टर जो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं और फिर हम ओहम्स लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ओहम्स लॉ हमें ये बताता है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर मैं एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई करती हूँ जिसके नतीजे में उसमें से करंट आई फ्लो करता है तो वोल्टेज जैसे मैं इंक्रीज करूंगी तो करंट भी इंक्रीज होगा। इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस आर कहलाता है, जो कि एक खास मटेरियल, एक खास लेंथ के मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट की वजह से वोल्टेज और करंट फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में देखूँ तो अगर मैं वोल्टेज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वोल्टेज बढ़ी है तो करंट भी पड़ रहा है, मगर सब मटेरियल्स ये बिहेवियर शो नहीं करते। जो मटेरियल्स जिनके लिए वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है वो मटेरियल्स ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ओहम्स लॉ, इट गिव्स अस, ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका जवाब स्ट्रेट लाइन है। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट, अब हम देखते हैं ये सारी कंडीशंस में से कौन कौन सा ट्रू है। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, इसके मुताबिक ये सच है। वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी सच है। रेजिस्टेंस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के और आर इनका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये भी सच है। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इफ 1 वोल्ट इज नीडेड टू कॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर टू फ्लो इन अ कंडक्टर देन द रेजिस्टेंस इज वी इज इक्वल टू आई आर से हम फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पेयर है, तो फिर रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस भी 1 होनी चाहिए, 1 इंटू 1 1 रहेगा, अगर ये 2 हो जाएगा या कोई और नंबर होगा तो फिर ये इक्वेशन करेक्ट नहीं रहेगी, 1 ओम इसका सही जवाब है। If the resistance in the circuit is doubled, then what's the current now? Resistance double कर देंगे तो फिर Ohm's law के मुताबिक V is equal to IR, resistance के directly proportional voltage होता है और resistance के inversely proportional current होता है। Resistance को double करेंगे, current half हो जाएगा। If 2 ampere current passes through a resistor when connected to a certain battery, current 2 amperes है, resistance is replaced by double resistance. Resistance पहले समझें R थी तो अब resistance 2R हो गई, resistance double हो गई। V इज इक्वल टू आई आर रिलेशनशिप हमें पता है, तो करंट क्या हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट पहले 2 एम्पेयर था तो इसका हाफ क्या होगा, 1 एम्पेयर। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम एक वायर की देखें तो जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है, इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सफर करना है और उसके जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ही ज्यादा उसको कोलिजन फेस करनी पड़ेंगी एटम्स के साथ, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी वायर कितनी चौड़ी है। अगर मैं वायर चौड़ी लेती हूँ तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जगह मिल जाती है, अगर वो एक जगह से उसको रुकावट मिलती है तो उसके पास ज्यादा जगह होती है कि वो दूसरा कोई रास्ता तलाश करे, इसलिए उसकी लिए आसान हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एल ओवर ए। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, रेजिस्टेंस अगर मेरे पास एक डब्बे में वायर्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ, एक ही मटेरियल की वायर्स हैं और मैं दो वायर्स रैंडमली निकालती हूँ, एक बड़ी है और एक थोड़ी छोटी और थोड़ी चौड़ी है, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस इनकी लेंथ और इनके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और इन दोनों वायर्स की मुख्तलिफ होगी, इसकी मैं आर वन कह देती हूँ, इसकी मैं आर टू कह देती हूँ, मगर ये सब वायर्स अगर एक ही मटीरियल से बनी है तो मैं उस मटीरियल के लिए रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकती हूँ और फिर अगर मुझे मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है तो फिर मैं बता दूंगी कि इस मटेरियल से अगर मैं इतनी लेंथ और एरिया, इतनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर बनाऊंगी तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी होगी। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जबकि रेजिस्टेंस एक खास वायर की लिए हम डिफाइन करते हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा यूजफुल
चीज है, जिस तरह चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी हमें बता देती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मेरे पास इन्फिनिट शीट भी हो तो मुझे उसकी चार्ज डेंसिटी पता हो सकती है, लेकिन अगर मेरे पास मुझे इन्फिनिट शीट के ऊपर ये कभी भी पता नहीं होगा कि इस पूरी इन्फिनिट शीट के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, क्योंकि वो इन्फिनिट शीट है, मगर मुझे चार्ज डेंसिटी पता हो सकती है। इसी तरह रेजिस्टिविटी मटीरियल की प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी बराबर होती है रेजिस्टेंस टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओवर एल। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जो चीज़ें रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं वही चीज़ें रेजिस्टिविटी को भी इफेक्ट करती हैं। हमने देखा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं हम किसी चीज़ का, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करना होता है, और उनके रास्ते में एटम्स होते हैं। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके एटम्स की वाइब्रेशन, जो कि पहले भी मौजूद होती है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो ज्यादा जोर से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इनसे टकराते हैं तो इनका ज्यादा मोमेंटम फिर जाया होता है, तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाती है। टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इसको हम नापना चाहते हैं, इसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज आया पर डिग्री टेम्परेचर, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। वो हम कैसे मेजर करते हैं, शुरू में हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस थी टेम्परेचर जीरो पे, आर जीरो टेम्परेचर जीरो हम एक रेफरेंस टेम्परेचर के तौर पर ले रहे हैं, और फिर जीरो से लेके टेम्परेचर टी, जो कि एक रैंडम टी टेम्परेचर पे हम लेके गए, तो मटेरियल की रेजिस्टेंस कितनी हो गई आर टी। तो आर नॉट माइनस आर टी फ्रैक्शनल इंक्रीज डिवाइडेड बाय जितनी शुरू में टेम्परेचर थी, इससे पूरा हमारे पास आ गया कि टोटल कितना इंक्रीज हुआ सॉरी रेजिस्टेंस के अंदर। इसको हम डिवाइड कर देते हैं पर डिग्री टेम्परेचर, कितना हमने टेम्परेचर रेज किया जिसकी वजह से ये फ्रैक्शनल इंक्रीज रेजिस्टेंस में आया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके आर नॉट को टी ऊपर आ जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास टेम्परेचर कोफिशेंट होता है। और इसमें मैं रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं हम इसको आर नॉट माइनस आर टी ओवर सॉरी रो नॉट टाइम्स टी भी लिख सकते हैं, ये भी टेम्परेचर कोफिशेंट के बराबर होता है। किसी भी वायर की एक खास रेजिस्टेंस होती है, हमने देखा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस निशान से। अगर मैं दो वायर्स को आपस में जोड़ती हूँ, या वायर्स के बजाय अगर मैं फिजिकल रेजिस्टेंसेस को भी जोड़ती हूँ, हमें पता है कि रेजिस्टेंस, हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होती है, जो कि एक सिलेंडर सा होता है, उसके गिर्द दो वायर्स होती हैं, जिसको आपने लैब में पढ़ा होगा, इसके ऊपर कलर कोड्स होते हैं, या आपकी इस चैप्टर में मौजूद हैं। इन रेजिस्टेंसेस को भी अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो मैं इसी निशान से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं ये रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में ऐड करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने एक के बाद एक रेजिस्टेंस ऐड की। इसका असर ये होता है कि ये सब रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड हो जाती हैं, और मैं इनको सिंपली, अगर ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, तो मैं इनको ज्वाइन करके आर टोटल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकती हूँ। इसको कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंसेस। इसके बरक्स अगर मेरे पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, पैरेलल का मतलब है कि तीन रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी हुई है, तो अब इस केस में क्या होता है कि इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों के सब रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री के लिए एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के अक्रॉस, जबकि पैरेलल में ऐसे नहीं था। पैरेलल में इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस था, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस था, और हर हर एक रेजिस्टेंस के गिर्द मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस था। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस था, फिर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दूसरे के गिर्द, और तीसरे के गिर्द कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और फिर हम सिंक वाले पोटेंशियल के ऊपर पहुंच गए। जबकि पैरेलल रेजिस्टेंसेज में तीनों रेजिस्टेंसेस के अराउंड एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वी वन और ये वी टू सबके लिए बराबर है, इसलिए इन सब को हम आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नहीं कर सकते, इनको हम वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू प्लस वन ओवर आर थ्री करके ऐड करते हैं, तो हमारे पास वन ओवर टोटल रेजिस्टेंस आती है। इस तरह हम इनका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल रेजिस्टेंसेस का। रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। एक वायर लेते हैं और हम इसको एक सिलेंडर इंसुलेटिंग मटेरियल के गिर्द कॉइल कर देते हैं, और फिर हम इसका एक एंड ओपन छोड़ देते हैं, इसको क्लोज नहीं करते।
इसको क्लोज करने के बजाय हम इसके ऊपर एक और वायर जो इस सिलेंडर के ऊपर रोटेट कर सकती है वो लगाते हैं, और उसको फिर हम सिंक के साथ या ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास सोर्स होता है। अब जब ये स्लाइडिंग वायर इसको हम जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये जो कॉयल है वायर का, इसका ज्यादा हिस्सा सर्किट में इंक्लूड होगा। जब वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो फिर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और इसको जब हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो हम कम वायर इंक्लूड कर रहे हैं टोटल सर्किट के अंदर। जो हमारा ये है, इसको अगर मैंने इधर ले आई तो फिर कम वायर इंक्लूड होगी टोटल सर्किट के अंदर, और हमारी सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इस प्रिंसिपल के ऊपर रियोस्टैट चलता है, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि थर्मिस्टर क्या होता है। थर्म टेम्परेचर से, और एस्टर जो है वो रेजिस्टर का आखिरी हिस्सा। थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है जो टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। ओहमिक मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता। ओहमिक मटेरियल्स में एक बड़ी टेम्परेचर रेंज के ऊपर रेजिस्टेंस तकरीबन कांस्टेंट रहती है, थोड़ी सी चेंज होती है, बहुत कम चेंज होती है, उसका टेम्परेचर कॉफिशेंट छोटा होता है। जबकि थर्मिस्टर का टेम्परेचर कॉफिशेंट बड़ा होता है, उसकी जब 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा होता है, और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। उसकी मदद से हम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं।